दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वाले कोरोना वायरस पीड़ितों का ही इलाज किया जाएगा। उपराज्यपाल के इस फैसले के बाद दिल्ली में रह रहे बाहरी राज्यों के कोरोना मरीजों को राहत मिलेगी। बता दें कि अनिल बैजल DDMA के चेयरपर्सन भी हैं और इसी के आधार पर उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है कि दिल्ली निवासी नहीं होने के आधार पर किसी भी कोरोना वायरस के रोगी को उपचार से इनकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली में LNJP अस्पताल, GTB अस्पताल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित दिल्ली सरकार द्वारा संचालित लगभग 40 सरकारी अस्पताल हैं। राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र द्वारा संचालित बड़े अस्पतालों में एम्स, RML और सफदरगंज अस्पताल शामिल है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का इलाज होने की रविवार को घोषणा की थी। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के लिए इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा और यदि दूसरे राज्यों के लोग कुछ विशेष ऑपरेशनों के लिए दिल्ली आते हैं तो उन्हें निजी अस्पतालों में उपचार कराना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में अब तक 28,936 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं जिसमें से 812 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 10,999 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं, हालांकि अभी भी 17,125 एक्टिव केस मौजूद हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गले में दर्द और हल्के बुखार की शिकायत के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का मंगलवार की सुबह COVID-19 का टेस्ट कराया जाएगा। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल असहज महसूस करने लगे थे। एहतियातन उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में रखा है। फिलहाल उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा पलटे गए अरविंद केजरीवाल के फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति गर्मा सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।